वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कई बार क्या होता है कि हम जब भी कोई पैंट वगैरह या फिर हम कोई भी पैंट स्टिच करते हैं तो उसमें जो है हमारा थाइज वाला जो पोर्शन होता है वो टाइट हो जाता है, या फिर कई बार हमारा जो आसन होता है वो हमें चलते हुए लगता है कि नहीं कहीं अटक रहा है, थोड़ा सा टाइट लग रहा है फिटिंग में भी, और थाइज वाला पोर्शन भी लगता है कि नहीं फंस रहा है, टाइट लग रहा है। तो उसको किस तरीके से लूज़ किया जाता है उसकी वीडियो है आज, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं मुझे और बहुत सारी क्वेरीज आई हैं इसके लिए कि इन केस अगर हमारा जो थाइज पोर्शन है वो अच्छे से नहीं बनता है, टाइट हो जाता है, तो उस केस के लिए हम क्या करें। एक्चुअली कई बार क्या होता है कटिंग रॉन्ग हो जाती है, या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग जब भी अपनी कटिंग कर लेते हैं बिना धोए हम अपने कपड़ों को स्टिच करते हैं, तो उसमें कुछ कपड़ों की या कुछ फैब्रिक की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो वॉश करने के बाद आफ्टर वॉश जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। या फिर हम कभी लाइनिंग्स यूज़ करते हैं तो लाइनिंग्स भी हम कई बार वॉश करके नहीं यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी आपका जो है वो श्रिंकेज हो जाती है और श्रिंक में थोड़ा सा वो कम पड़ जाता है हमें। तो उस केस में हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें खोलने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, बट इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम अपना उसमें म्यानी डाल सकते हैं जिससे कि हमारा आसन जो है 1 से 2 इंच बढ़ जाएगा और हमारी जो थाइज है वो भी 1 से 2 इंच जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। या फिर अगर आपको नी लेंथ तक वो कम है, मतलब बहुत ही टाइट है, तब हम उसमें उतना लंबा जो है आसन से लेके वहाँ तक का जोड़ डाल देते हैं। बट वो जोड़ जो है, जो भी हम उसमें कपड़ा अटैच करते हैं उसका एक मिनिमम लेंथ होता है या मिनिमम विड्थ होती है, अगर आप उससे ज़्यादा डालोगे तो वो फिनिशिंग, वो परफेक्टनेस नहीं आती है। बट फिर भी कोई बिना ना पहने हमारी चीज़ ना ख़राब हो, यूजेबल हो जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी अगर हम उसमें कपड़ा अटैच कर देते हैं तो वो बहुत ही परफेक्टली हमें फिट आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम उसमें जो है वो म्यानी किस तरीके से डालते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी पैंट, जिसमें कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसका जो कपड़ा है थोड़ा स्टिफ था और इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, तो इसमें मुझे जो थाइज है वो थोड़ी सी टाइट लगती है। मैं आज आपको बताऊंगी कि इसमें हम इसको किस तरीके से थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं और जो हमारा आसन है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो कि मिनिमम 1 से 2 इंच जो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और थाइज भी 2 से ढाई इंच हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए आपको अपने पैंट को उल्टी साइड से इसके दोनों साइड के जो क्रॉच एरियाज़ हैं उनकी सीम को खोलना है, जो हमने स्टिच लगाया हुआ है उसको खोलना है, और जो आसन का लेंथ वाइज हमें यहाँ पे 7 इंच तक इसको खोलना है, और जो विड्थ वाइज है दैट मीन्स जो नीचे थाइज वाले पोर्शन की सिलाई आती है वहाँ पे हमें इसे 3 से 4 इंच तक खोलना है। सिलाई तो सिर्फ जो म्यानी डलेगी वो डलेगी सिर्फ 2 से ढाई इंच की, मगर हम इसे 3 से 4 इंच इसलिए खोलेंगे ताकि इसकी सिलाई करने में हमें थोड़ा ईजी रहे। तो ये देखिए मैंने दोनों फ्रंट और बैक के दोनों के आसन की सिलाई और नीचे की सिलाई खोल ली है। इसको आप इजीली प्रेस भी कर सकते हो। पहले तो ये लिया है मैंने फैब्रिक, ये आप कोई भी स्क्वायर फैब्रिक यूज़ करोगे इसमें, और इसको डबल फैब्रिक लेना है क्योंकि हमें इसमें 2 पीस निकालने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। और इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो हम रखेंगे 8 इंचेस, क्योंकि आधा इंच सीम अलाउंस में चला जाता है, तो ये जो रेडी रहेगा वो 7.5 रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 8.5 रख सकते हो, इससे ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगता है और इसकी फिनिशिंग भी परफेक्ट नहीं आती है। तो दोनों ही साइड से हम, दोनों ही लेंथ वाइज हम इसको 8 इंचेस जो है वो मार्क करेंगे, और यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देते हुए इसको दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये मैंने अपने दोनों निशान आपस में मिला दिए हैं। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ से हमें इसको ट्रायंगल शेप देते हुए इसको हमें कट करना है। तो ये हो गया है कट हमारा। एक्स्ट्रा मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके इसको कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद ऊपर से हल्का से इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल जो इसका रहता है ट्रायंगल सा निकला हुआ वो तो कहीं भी ज्वाइन नहीं होता, तो हमें इतना सा स्पेस चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए। अब इसका जो तैयार रहेगी वो रहेगी 5 इंचेस, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 इंच ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी जो थाइज़ है। एक साइड से जो बढ़ेगी वो 2 से 2.5 इंच रहेगा और टोटल जो बढ़ेगी वो 5 इंचेस होगा। और जो रेडी रहेगी यहाँ पे लेंथ वाइज रो रहेगा 7 इंच, बट ज्वाइन करने के बाद ये वही 2 से 2.5 इंच ही बढ़ता है लेंथ वाइज भी। तो ये देखिए मैंने, क्योंकि मेरा ये फैब्रिक है तो उस पर लाइनिंग असेंशियल है, इसलिए मैंने इसको लाइनिंग के साथ ज्वाइन कर लिया है। इसके चारों तरफ जो है वो सिलाई लगा ली है। अगर आपका फैब्रिक लाइनिंग वाला है तो प्लीज़ आप लाइनिंग साथ में ज़रूर अटैच कीजिएगा। और इसके जो भी एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं उनको मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हमें इसे अपनी पैंट के साथ जो है वो ज्वाइन करना है। तो पैंट का दोनों साइड आप इसको कहीं भी किसी भी साइड से हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो हमने मार्क किया था उस साइड से अब हमें इसको स्टिच लगाना है। तो ये देखिए, ये एक्चुअली जो पहले एक साइड से ज्वाइन करने का वीडियो है वो गलती से डिलीट हो गया है, तो ये मैंने एक साइड से ज्वाइन कर लिया है जो कि मार्किंग के हिसाब से यहाँ तक आया है। और दूसरी साइड हमें जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है वहाँ तक हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही ज्वाइन करनी है। तो ये देखिए, हमें नीचे से स्टार्ट किया है मैंने इसको लगाना, और नीचे से लगाने के बाद इसमें हम डबल सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसको जहाँ पे कर्व पोर्शन है उसको आपको कर्व के तरीके से ही इसके साथ मिलाते हुए सिलाई लगानी है। और सिलाई का जो मार्जिन है वो 1/4 इंच ही होना चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वही प्रॉब्लम रहेगी कि आपकी फिनिशिंग जो है परफेक्ट नहीं आएगी। तो ऊपर भी हमें सिलाई को लॉक कर देना है। सिलाई को लॉक करने के बाद ये देखिए इस तरीके से आता है और ऊपर कोई भी झोल नहीं आएगा। जब आप एक तरीके से सिलाई कर लेते हो तो ऊपर वाले दूसरी सिलाई को अच्छे से बिठा लीजिए। और दोनों साइड के लगने के बाद यहाँ पे हमें ये देखिए ये इस तरीके का आता है। हमें इस सिलाई को इस सिलाई के साथ मिलाना है, और जो आपकी पीछे से सिलाई आ रही है वहाँ पे हमें इसे डबल स्टिच करते हुए लॉक करते हुए अपनी स्टिच को इसको हमें जो सिलाई है सिलाई के साथ मिलाते हुए स्टिच करना है। ये आपको लग रहा है यहाँ पे झोल आ रहा है, पर यहाँ पे कोई झोल नहीं आ रहा, कपड़ा थोड़ा सा ऐसा फुला फुला है ये। तो यहाँ पे भी हमें 1/4 इंच की सिलाई देते हुए इसको स्टिच करना है। तो इस तरीके से ये हमारी सिलाई हो गई है दोनों ही साइड इसको स्टिच करने के बाद। ये देखिए बैक साइड से हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और फ्रंट साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखिए इसमें आपकी जो थाइज़ है वो भी 2 से 2.5 इंच जो है वो बढ़ जाती है। तो ये नीचे से कुछ इस तरीके का आता है। ये है सेंटर पार्ट, और सेंटर पार्ट से ये 2 से 2.5 इंच बढ़ गया है। और यहाँ पे जो थाइज़ पोर्शन है वो 12 इंचेस हो गया है, और ये पूरा आया है 5 इंच। और यहाँ से जो आसन पोर्शन है वो भी बढ़ गया है जो कि आया है 12 इंच। तो इस तरीके से आप अपनी पैंट का जो थाइज़ है उसको सही कर सकते हो अगर वो टाइट है। बट हम अपनी मोहरी को किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं सकते। हाँ, उसमें आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप नीचे कोई भी डिज़ाइन डाल के थोड़ा सा पाँचा उसका जो है वो लूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।